ठीक है जी, क्या बात है, सारे कमेटी वाले बड़े हिम्मती सज्जन ने, क्या बात है जी, नाल दी नाल पैलेस बनाता पतंदरा ने, क्या बात है। ठीक है जी, सो बहुत मेहरबानी, तह दिल शुक्रिया, क्योंकि इधर साड़ियां बीबियां भैणां ने बैठना है, उन्होंने भी बैठने लई अरेंजमेंट बड़ा वधिया अच्छा प्रबंध साडे सज्जना दा मित्रां दा, और कलाकार दा थोड़ा जिहा हौसला जिहा बणिया रहिंदा है, सो ताड़ी मारनी बहुत जरूरी है। सो धन्नवाद करदे आं जी, मैं देखी जाना है भी इधर साडियां बीबियां भैणां बड़े प्यार नाल प्रोग्राम देखी जांदियां, वाह जी वाह, क्या बात है। वैसे मैं आम प्रोग्राम च देखिया, चाहे धार्मिक प्रोग्राम ही होवे, साडियां बीबियां भैणां एक थां ते बैठ के प्रोग्राम ही नहीं देख सकदियां, क्योंकि भाई थोड़ा जिहा चुगली डिपार्टमेंट हुंदा, ममूली जिहा चुगली डिपार्टमेंट, जिथे चार बुढ़िया कट्ठिया हो गई, नाल दी नाल गल चल पैंदी है, गल सूटां दी चल पैंदी है, गल सोने दी चल पैंदी है, होर नहीं गल तां जरूर चलती है, नूह सस दी ते सस नूह दी, नहीं मेरी सस है, नहीं मेरी नूह है, नहीं मेरी नूह है, नहीं मेरी सस है, नहीं कितक 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 कितक। पर इत्थे भाई काम उल्ट है, बड़े प्यार ना, बड़े मुहब्बत ना, साडियां बीबियां भैणां साडा प्रोग्राम देख रही ने, सो बहुत मेहरबानी, गल कर रहे हैं, वाह जी वाह, क्या बात है, वो सचे मुर्श, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सरदार नौ निहाल सिंह जी, सरपंच साहब जिन्होंने बड़ा मान दिता है, बड़ी मुहब्बत दी है जी, बहुत मेहरबानी, तहे दिल तो शुक्रिया अदा करते हैं, और प्रधान साहब हर निर्मल सिंह जी खेड़ा साहब बड़ा मान करते हैं, और भाई जी रमेश जी खेड़ा साहब साढ़े सैकटरी साहब, और भाई जी गोनी पहलवान मेरे भरावों की दुनिया चो, साढ़े मित्र दुनिया चो, बड़ा मान तो बड़ी मुहब्बत जिन्होंने नवाजा है, सो खिच दो भाई जी काम माड़ा जा करा। ठीक है जी, क्या बात है, सारे कमेटी वाले बड़े हिम्मती सज्जन ने, क्या बात है जी, नाल दी नाल पैलेस बनाता पतंदरा ने, क्या बात है। ठीक है जी, सो बहुत मेहरबानी, तह दिल शुक्रिया, क्योंकि इधर साड़ियां बीबियां भैणां ने बैठना है, उन्होंने भी बैठने लई अरेंजमेंट बड़ा वधिया अच्छा प्रबंध साडे सज्जना दा मित्रां दा, और कमेटी वाले क्या बात है जी, बड़े हिम्मती सज्जन ने, गल करदा है, हाँ माड़ा जा तां नूं चक दिओ बस, हाँ जी, और गल करदा वीरे जनी मेरी कैसेट मैसेज जिसनों तुसी रब लोगों ने बड़ा मान दिता है, बड़ी मुहब्बत दी है, कि कल जदों आके बालकोनी च खड़ा लगता सी सोहना वे तू पज के बड़ा, बाई कहिंदा दिल उत्ते बन के भरिंड लड़ गई, तू भी जदों आके पौड़ियां च खड़ गई, बीबा जी कहिंदे आ गई काली बोली चढ़ के हनेरी, तेरी वे फलैंग किसने कल मम्मी तो पटाती गुत मेरी। कई जिहड़े साडे बापू बैठे है, बजुर्ग बैठे है, जां अनपढ़ बंदे बैठे है, उन्होंने पता नहीं लगता भी आ फलाइंग किस की होंगी है, आ जे मेरे हाणी भरा नवी मडीर है, ये सारी जानती है भी फलाइंग किस की होंगी है, गुलां ते हथ रख के फूक जी मार देंगे उन्होंने फलाइंग किस कहते हैं, कहिंदा जे तेरी गुत पट्टी गई घट मेरे नाल भी नहीं होई, कल जिहड़ा मेरे मोबाइल ते मैसेज भेजा सी, मैसेज बहुत खतरनाक सी, बापू कुते प्राणियां साढ़े क चार पढ़िया, उन्हें जोड़ जोड़ के पढ़ लिया, सीधा आई लव यू लिख रखा सी, बापू ने मोबाइल तो आपके गीते च पा लिया, चिप कढ़ के मेरी तली ते धरती डांग फड़ के मेरे मगर हो पिया, कहिंदा पुत जे मैं एदू मुड़ के तेरी जेब च मोबाइल देख लिया, डांग मेरी लत्तां तेरियां विचालियों तोड़ दूं, बिलो नी तेरे मैसेज ने मेरी बापू तो क्लास लवाती, कहिंदा दोनों पार्टियां बराबरी है जी, घट नहीं किसी नाल होई, हाँ जी ओके जी, इधरों सारा काम, हाँ क्या बात है जी, मैं देखी जाना बड़े सज्जन, क्या बात है, बिलो ने तेरे मैसेज ने मेरी बापू तो क्लास लवाती, हाँ जी, सो मेरे तो बाद भाई जी सुरजीत खान साहब उन्होंने हाजिरी लवानी है, सो उस तो बाद साढ़े सिद्धू साहब मैडम गुले अख्तर जी उन्होंने हाजिरी लवानी है साढ़े भरावों की दुनिया चो, बहुत मेहरबानी, तहे दिलों शुक्रिया अदा करते हैं, और गल करते हैं, बिलो ने तेरे मैसेज ने मेरी बापू तो क्लास लवाती, हाँ जी, सो मैं बेनती करता है मगरले पासे साढ़े ढोल वाले वीरां नूं भी आवाज मिक्स जी होंदी है, थोड़ा जिहा ढोल माड़ा जिहा ममूली जिहा उन्होंने कह दो भी आवाज़ घट कर लैन, क्योंकि आवाज़ इधर बहुत आ रही है, हाँ जी
ਬਿੱਲੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਲਵਾ ਦੇ। ਬਣ ਕੇ ਪਰਿੰਡ ਲੜ ਗਈ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਖੜ ਗਈ। ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਪਰਿੰਡ ਲੜ ਗਈ ਗੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਖੜ ਗਈ ਗੀ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਛੱਡਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੱਖਣਾ। ਸੁਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਛੱਡਿਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੀਂ ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਕੰਮ, ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈ ਕੰਮ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਡੇ ਦਸਵੀਂ ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਪਤੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਂਟ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਮੀਜ਼ ਲਾਈ